स्वागत है आपका पांडे ब्रदर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 10 मार्च 2022 को नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में। हम बात करें नागालैंड से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नागालैंड के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, नागालैंड के फोक डांसेज हैं चांग सांग डांस, सुआ लुआ डांस, मेलो फिटो डांस, मोनियो आसो डांस, नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेक्रियानी फेस्टिवल, ओलियांग फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल तथा तुलुनी फेस्टिवल। नागालैंड में ट्राइब्स पाई जाती है अंगामी ट्राइब, आओ ट्राइब, चकेसांग ट्राइब, कोनियक ट्राइब, फोम ट्राइब तथा सुमी ट्राइब। नागालैंड का नेशनल पार्क है एंटंकी नेशनल पार्क। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं तथा कोहिमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बात करें नागालैंड से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो नागालैंड के नुकली फोम को विटले अवार्ड दिया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। नागालैंड में कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप चलाया गया है। नागालैंड की जनसंख्या 2011 में नकारात्मक थी, हाल ही में नागालैंड में अपस्पा लगाया गया है जून 2022 तक। नागालैंड में सिमेन्यू, न्यूलैंड, चुमकेडिम 3 नए जिले बनाए हैं। पूरे राज्य में मध्यम प्रकृति का सूखा नागालैंड ने घोषित किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केबल आधारित भारत की पहली रेल ब्रिज बना रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हम बात करें जम्मू कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, जम्मू कश्मीर का फोक डांसेज हैं कूट डांस, हफीजा डांस, दुमहल डांस, रौफ डांस, बच्चा नगमा डांस तथा भांड पथेर डांस। जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स हैं हेमिस फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल, सिकारा फेस्टिवल, दोस मौचे फेस्टिवल तथा गुरेज फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा काजीनाग नेशनल पार्क। बात करें जम्मू कश्मीर से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो जम्मू कश्मीर के जेरी हेमलेट गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल चिनाब पुल है। हौसला प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए चलाया गया है। जम्मू कश्मीर ने अपना दरबार परिवर्तन बंद कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना पहला तैरता एटीएम डल लेक पर शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में पहला जिला सुशासन सूचकांक अमित शाह ने जारी किया है। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में कंचौत महोत्सव मनाया गया है। जम्मू कश्मीर पहला यूटी है जिसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा गया है। लवेंडर को डोडा जिला उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। बात करें दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। बात करें दिल्ली से हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग चलाया है। दिल्ली ने वन स्टॉप ई व्हीकल वेबसाइट लॉन्च की है। दिल्ली में देश के मेंटर प्रोग्राम चलाया गया है। दिल्ली मेट्रो ने भारत का पहला यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग शुरू की है। दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। दिल्ली में ओलंपिक बीथे या ओलंपिक बुले बोर्ड योजना चलाई गई है। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी दिल्ली में खोल रहा है। दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम चलाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे किसके साथ मिलकर भारत का पहला रेलवे सोलर पावर प्लांट बनाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भेल। भारतीय रेलवे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला रेलवे सोलर पावर प्लांट बनाएगा। हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए चलाई गई थी। इसको चलाया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी हैं। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। सबसे लंबा रेल रूट है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। रेलवे का शुभंकर है भोलू। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। वीके त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य कर देगा। बजट 2022-23 में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन आहट शुरू किया है। बात करें भेल की, तो भेल की फुल फॉर्म है भारत एबी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं नलिनी सिंघल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणितज्ञों के लिए वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीना गुप्ता ने। बात करें रामानुजन प्राइस की, तो यह पहली बार 2005 में मार्सेलियो वियान को दिया गया था, जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं। रामानुजन प्राइस 2020 में करियोलिना अरुजो को दिया गया है। बात करें फैक्ट जो कि मैथ से रिलेटेड हैं, तो आर्कमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। फील्ड्स मेडल जो कि मैथ्स में दिया जाता है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स भी कहते हैं। एबल प्राइज 2021 मिला है एबी विगडर्सन और लाजलो लोआस को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने किसान नाम से ऐप बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की ने। बात करें करंट अफेयर्स आईआईटी से, तो आईआईटी धारवाड़ ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी खोला है। आईआईटी मद्रास ने इंडिया का पहला कंसोर्टियम फॉर वर्चुअल रियलिटी खोला है। आईआईटी कानपुर ने भू प्राकृतिक डिवाइस बनाई है, जो मात्र 90 सेकंड में मिट्टी का परीक्षण करेगी। आईआईटी रोपड़ ने लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर बनाया है। आईआईटी हैदराबाद ने पहली बिल्डिंग बनाई है बायोब्रिक्स को यूज करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रुथ सोशल। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जोगा जोग बांग्लादेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कू इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी डॉलर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर है तरनजीत सिंह संधू। माया एंग्लो पहली अश्वेत महिला है जिनको अमेरिका के सिक्कों पर दर्शाया गया है। अमेरिका और बांग्लादेश ने करा समुद्री अभ्यास किया है। अमेरिका 101वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। गौतम राघवन प्रमुख बनाए गए हैं व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल्स के। अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान नया क्वाड ग्रुप बना रहे हैं। अमेरिका ने बिल पास किया है दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए। अमेरिका ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम चलाया है। अमेरिका ने हाल ही में सोलोमन आइलैंड पर अपना दूतावास खोला है। आइए देखते हैं अमेरिका का मैप। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए कनाडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएसए के ईस्टर्न साइड में है अटलांटिक ओशियन। यूएसए के वेस्टर्न साइड में है पैसिफिक ओशियन। यूएसए सदर्न साइड में बॉर्डर शेयर करता है मेक्सिको से। यूएसए नॉर्थ साइड में बॉर्डर शेयर करता है कनाडा से। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को 49 पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे ही 5 लेक्स पाई जाती हैं, जिसे ग्रेट 5 लेक्स के नाम से जाना जाता है। एक है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक ईरी तथा लेक ओंटेरियो। यूएसए के ईस्टर्न साइड में है एप्लाचे माउंटेन। ईस्टर्न साइड में ही यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यूएसए के वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे है रॉकी माउंटेन्स पाई जाती है। यूएसए के वेस्टर्न साइड में ही यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट कैलिफोर्निया है। यूएसए के सदर्न साइड में है यूएसए का एक इंपॉर्टेंस है टेक्सास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने देश के बाहर किस स्थान पर आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहन। यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट है नौरा अल मतरूसी। यूएई का न्यूक्लियर पावर प्लांट है बरक्का पावर प्लांट, जो कि अरब देश का पहला पावर प्लांट है। यूएई का मंगल अभियान था होप मिशन। आइए देखते हैं यूएई का मैप। यूएई गल्फ कंट्री है। यूएई में 7 एमिरेट्स पाए जाते हैं। इन 7 एमिरेट्स में 5 की बॉर्डर पर्शियन गल्फ से लगती है, जो हैं रस अल खमैया, अल क्वैन, अजमान, शारजाह, दुबई तथा यूएई की कैपिटल अबू धाबी। तथा 2 स्टेट्स हैं अल एन, जिसकी बॉर्डर ओमान से लगती है, तथा अल फुजरैया, जिसकी बॉर्डर अरेबियन सी से लगती है। ये है हमारा ओमान। ओमान के ऊपर है स्ट्रेट ऑफ हामरूज, जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। ये है हमारा अरेबियन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका नाम सही आंसर है ऑप्शन डी, रिचा घोष। इन्होंने मात्र 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया है। बात करें करंट अफेयर्स क्रिकेट से रिलेटेड, तो सकीबुल गनी बिहार के प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 13 शतक बनाया है। कीगन पीटरसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव जयपुर में रखी गई है।
अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिमी सोनी। हम बात करें रीसेंट बुक्स की, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है अरुंधति रॉय ने। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को लिखा है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। सटलर फ्रिक मेकिंग एवरी मैच काउंट को लिखा है पुलेला गोपी चंद ने। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट को लिखा है चंद्रचूर घोष ने। आई एम नो मसीहा को लिखा है सोनू सूद ने। किरण बेदी ने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। नवदीप गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आप लोगों के लिए कल का होमवर्क था, हाल ही में किस देश ने दावा किया है कि उसने सूर्य की तरह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा की तकनीक का विकास किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, भारतीय रेलवे ने देश भर में कितने पुराने और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर डिजिटल म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के क्लास की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।